इडली संभार में संभार छत्रपति संभाजी महाराज के वजह से आया। छत्रपति संभाजी महाराज तंजावर तमिलनाडु में जब गए थे तो उनका हेड शेफ कहीं और चले गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे दाल खाना है। अब दाल और स्पाइसेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन महाराष्ट्रीय लोगों को बहुत जबरदस्त आता है, तो संभाजी महाराज ने वहाँ पे दाल बनाई और शायद टमाटर अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने खट्टे बने के लिए टैमरिंड यानी इमली डाल दी, और बाद में उन्हें समझा कि इमली तो डालते नहीं है, तो उससे जो एक्सपेरिमेंट होके बना और वो जो दाल थी संभाजी महाराज के नाम से उसे नाम दिया गया सांभार। तो आप यदि देखोगे साउथ इंडिया में आज भी इडली चटनी के साथ और गन पाउडर रहता है, वो एक उनका पाउडर होता है, उसके साथ ज़्यादा खाना प्रिफर करते हैं ना कि सांभार के साथ। तो आपका कल्चर जो है वो आपका पैलेट डिसाइड करेगा, और आप जब ट्रैवल करोगे तो समय के साथ में वो चीज़ें दूसरे कल्चर भी अडॉप्ट करेंगे।